पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए खुद पीटीआई से राबिता किया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने से ही इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ, कहा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करने देंगे। पीटीआई और जीडीए को एहतजाज करने पर आड़े हाथों भी लिया। हमने जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले रब्ता पीटीआई से किया कि आप आए, तो उन लोगों ने इनकार किया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। कानून साजी होगी, उसमें खुद सपोर्ट करेंगे और एक बैलेंस कानून साजी बनाएंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF वर्ल्ड बैंक को किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई, 92 उन लोगों ने विन किया, 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे, आदमी कहेंगे या क्या कहेंगे? उन लोगों ने अलग अपने एरियाज को कवर करके थप्पे मारे, चलो हमने उस पर कोई बात नहीं है। हमारी जो सीटें आई हैं 54, आप उसकी बात करें कि कोई अगर कोई कह दे कि हमने कोई थप्पे मारे है या जीडीए यहाँ पे एहतजाज कर रही है, पहले वो कभी कोई जीते है?